एंड थाने की पुलिस टीम को अहम कामयाबी हाथ लगी। पुलिस टीम ने ऑटो से मोबाइल लूट करने वाले शातिर गैंग के सरगना भकालू समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से लूटी गई तीन मोबाइल समेत घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद किया गया है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने प्रेस वार्ता के दौरान लूट का खुलासा करते हुए बताया कि लुटेरों के शातिर गैंग द्वारा कराए गए ऑटो से मोबाइल लूट किया जाता था। कैंट थाने के पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने मोबाइल छीनने वाली एक ऐसी गैंग जो कि नायाब तरीके से लूट का काम करते थे। ये लोग एक ऑटो को किराए पे लेते थे, किराए पे लेने के बाद में उससे रात के समय भ्रमण करने वाले लोगों को पर्टिकुलरली टारगेट करते थे। उसमें दो लोग, एक अमित कुमार और दूसरा बकालू, बकालू जो कि यहाँ डोमखाना राजघाट का रहने वाला है, इस पर पूर्व में भी कई मुकदमे हैं। इस व्यक्ति ने मोबाइल को छीनने का प्रयास किया एक व्यक्ति का, और उसके बाद में उस व्यक्ति को मोबाइल के साथ में घसीटा। उसका वीडियो फुटेज भी पुलिस को मिला। ये तहरीर प्राप्त होने के बाद में पुलिस ने ऑटो के मोबाइल, ऑटो के नंबर के आधार पर इन लोगों को ट्रेस करने का प्रयास किया, और आज इन लोगों को ट्रेस किया गया, जिसमें इनको ऑटो समेत इन दोनों को पकड़ा गया है, और तीन मोबाइल हैं वो इनसे बरामद हुए हैं, और साथ में ऑटो को भी बरामद किया गया है। कितनी घटना को अंजाम दे चुके हैं सर ये? कितने लोग थे, कितने गिरफ्तारी हुई है? ये टोटल तीन लोग थे उस ऑटो के अंदर, इनमें से दो की गिरफ्तारी हुई है, एक व्यक्ति अभी भी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेज के विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। सर कितनी घटना को अंजाम दे चुके हैं अभी तक? इन लोगों ने टोटल तीन घटनाओं को अंजाम दिया, उनमें से एक का ये कबूल कर रहे हैं, दो अन्य उनका एमए रन कराने के बाद में जानकारी मिलेगी उन्होंने कहा से।